शोर या बारिश के नीचे मोबाइल ब्लॉक के खातिर क्या क्या करना पड़ रहा है, मोबाइल अपना जाया करेंगे आप, सारा पानी मोबाइल का आ रहा है। बहुत मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है। कल 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 बीमार पड़े होंगे सब सारे। इतनी ज्यादा गर्मी है पेशावर में। गर्मी को खत्म करने के लिए आज हमारा प्लान बना है अम्ब्रेला वाटरफॉल जाने का। आने का दिन है, गर्मी काफी ज्यादा है, तो उमर भाई का मैसेज आया कि यार आज कोई प्लान बनाओ कि दर्जा आउटिंग करते हैं। तो अम्ब्रेला वाटरफॉल का हमारा प्लान बना है, अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। मोबाइल कवर है, अंडर वाटर स्विमिंग अगर करें वहाँ पे देखेंगे क्या सीन है। मेरा फर्स्ट टाइम है, ये मोबाइल कवर रखेंगे, इसमें मोबाइल डाल के और पानी के अंदर जाके वीडियो बनाएंगे। अभी रख लेते हैं। दो मक्खियाँ आ गई यार गाड़ी में, शीशा थोड़ी देर के लिए खुल, कल जल्दी से ऊपर कर लेते हैं, दोबारा ना आ जाए। हमारे साथ जा रहा है मुदस्सिर, वो बाइक अंदर कर ले यार, बहुत ज्यादा गर्मी है भैया। जबरदस्त जबरदस्त, उमर भाई भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। भूल गई यार नजर की, नजर कमजोर हो फिर ड्राइविंग में काफी मसला होता है। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना खत्म नहीं हुआ अभी तक। इधर पेट्रोल डालने में जाके सामने से सामान थोड़ा सा पकड़ लेता हूँ, रास्ते में स्नैक्स ले लिए। तो यार चले, अभी हमारा 30 मिनट्स का रास्ता रह गया। मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, उमर भाई आराम कर रहे हैं 2 घंटों से। पहाड़ पहाड़ स्टार्ट हो गए, एबटाबाद में हम इंटर हो गए। तो यार अभी इधर यार एक सीएनजी पंप में रुके हैं, लेकिन लेकिन मैं अभी नमाज के लिए नहीं जा सकता। उमर भाई और वली लोग गए हुए हैं नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन मैं नहीं जा सकता क्योंकि गाड़ी लॉक नहीं हो रही यार। की जो है वो उमर भाई की जेब में रह गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौसमी मुसलमान आ गए। वलीद के साथ एक पार्ट किया यार, इसको मैंने कहा कि एबटाबाद जाते हैं जल्दी तैयार हो किसी काम से, उसको मैंने ये नहीं कहा कि उधर अम्ब्रेला वाटरफॉल जाते हैं। ये पहन के आ गए शलवार के नीचे चपनियाँ। चलो यार ड्राइविंग उमर भाई को दी हुई और फिर किसी तंग से रास्ते में फंस गए। रात को भी फंस गए थे, आज एबटाबाद के तंग गलियों में फंस गए। इतना तंग रास्ता हुआ, अब रिवर्स हो रहा है। 26 किलोमीटर का रास्ता भी रह गया और 1 घंटा दिखा रहा है क्योंकि रास्ता इस तरह। यार इतना प्यारा व्यू है, इतना प्यारा ट्रैक आया, सारा जंगल जंगल, इस साइड पे पहाड़, इतना प्यारा व्यू है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नीचे वाटरफॉल तो नजर आ गया। अभी पूछते हैं कौन सा रास्ता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ये वाटरफॉल का कौन सा रास्ता जा रहा है? वो आगे, अम्ब्रेला अम्ब्रेला वाटरफॉल, अम्ब्रेला 2 किलोमीटर रास्ता, इस यही रास्ता। थैंक यू यार। हवा भी यहाँ पे ठंडी हो गई है, वेदर काफी अच्छा है यहाँ का, धूप है लेकिन हवा ठंडी लग रही है। यार रास्ता कितना खतरनाक है, पीछे भी बाइक वाले आ रहे हैं, आगे भी रोड खाली है। नीचे वाटरफॉल है लेकिन हमने जाने अम्ब्रेला वाटरफॉल। ये पकड़ लो यार। यार अंदर आ गया, ऊपर इतनी तेज हवा चल रही और कर्व इतने ज्यादा। फाइनली पहुंच गए हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पे। ने यहाँ पे लगा लिया, लेकिन जगह तो है, यहाँ से अभी वहां तक जाना है, वहां पे भी पार्किंग है। और भाई तो मेरे ख्याल है फुल वाटरफॉल में डाइव मारने के इरादे से आए हुए। और ये रास्ता स्टार्ट हो गया अम्ब्रेला वाटरफॉल का। हाल करो, आपके चप्पल ना फाट जाए, फिर ऊपर कैसे आओगे। जितने भी लोग जा रहे थे थके थके जा रहे, हम जा रहे हैं कोई 5 बजे के करीब। अभी हम नीचे जा रहे हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल पे, 1 घंटे की नीचे उतराई है। और वलीद और उमर भाई वहाँ से किसी शॉर्टकट रास्ते से गए, हम इधर से आए हैं क्योंकि वो वाला खतरनाक रास्ता था, थोड़ा सा स्लिपरी रास्ता था। फंसा फंसा के चलो देख नीचे, तो थक हार के आ रहे हैं। अभी आगे कोई आ रहा हो तो रिकॉर्ड करता हूँ एक्सप्रेशन। अब लोग कहाँ से गए हैं, हम भी तो शॉर्टकट से आए। तो यार यहाँ पे स्टिक ले लिए, वलीद भी स्लिप हुआ है। अभी वो नीचे वाटरफॉल है, वहाँ पे जाने थोड़ा सा रास्ता रह गया। मक्षपुरी पे हमने 3 घंटे की हाइक की थी, इस वजह से मुझे समझ नहीं पड़ी। और तुम्हारे क्या हालात है? इसकी फर्स्ट टाइम है, ये इतना घूमता फिरता नहीं होता पहाड़ों वाले इलाके में। बस पहुंचने वाले हैं, 5 मिनट का और रास्ता है। और यहाँ पे शूज चेंज करते हैं क्योंकि शूज जो है वो गीले हो जाएंगे नीचे। चप्पल चेंज कर लिया, उसने भी चप्पल पहन लिया। यहाँ से पानी स्टार्ट है, अभी थोड़ा सा आगे जाके मेन पॉइंट है। ओए ओए ओए, पानी कितना ठंडा, इतना ठंडा पानी। पेंट ऊपर कर लेते हैं, उसे फिर उधर फंस के आ जाओ। स्टिक का ख्याल करिए, गिराएगी, स्टिक फंस जाती यार। और फिर मैं आगे जा रहा था तो स्टिक मतलब जोर पीछे करती है, पानी का प्रेशर काफी ज्यादा है।
पेंट थोड़ी सी और ऊपर कर लेते हैं क्योंकि आगे पानी थोड़ा सा गहरा है, यहाँ पे पानी का प्रेशर ज्यादा। मोबाइल जेब में डालता हूँ, वहाँ पे पहुँच के फिर वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। लोग इधर से आए, रस्सी से आए, ये तो खतरनाक रास्ता है, ये देखे कितना मुश्किल रास्ते से आ रहे हैं, रस्सी और पूरा प्लेन रास्ता है, पहाड़ बिल्कुल। आजा आराम से उस पत्थर पे पांव रख। इसका फर्स्ट टाइम है यार कि हम इसको इधर लाए इन एरियाज में, ये आता नहीं होता। फाइनली पहुंच गए अबशार के पास, वॉटरफॉल के पास। असल व्यू तो यहाँ से यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे पहाड़ है और पानी आ रहा ऊपर से। वलीद कहाँ से आयो? हम इतने आसान रास्ते से आए हैं कि पानी थोड़ा सा गहरा हो रहा है, वहाँ पे नहा रहे लोग। यार सारा गीले हो गए, इसके नीचे से आना था, सारे कपड़े गीले हो गए, कैप गीली हो गई है, हाथ गीले हो गए, घड़ी और मोबाइल भी जो है वो भी दूसरा गीला हो गया। यहाँ पे स्टेयर से अगर आप वहाँ से आते तो वहाँ पे पानी गहरा है। उमर भाई वहाँ पे अपना एंजॉय कर रहे हैं। कितनी मुशक्कत है यहाँ से, ख्याल से आ, ख्याल से आ, सारा गीला हो गया। जल्दी उतर, गीला होगा जितना देर से आएगा। सर ये जो एंड्रॉइड फोन है हमारे पास, ये हम कवर में घुसाते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। माशाल्लाह इतना प्यारा व्यू, ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर अभी हम जा रहे हैं इधर अंडर वाटर, वो स्लिपरी जगह, बारिश हो रही है, बारिश के नीचे मोबाइल ब्लॉक के खाते क्या क्या करना पड़ रहा है, मोबाइल अपना जाया करेंगे आप, सारा पानी मोबाइल पे आ रहा है, फुल गीले हो गए, ये भी गए गीले हो गए उधर वाटरफॉल में। भाई हवा चल, और अभी हवा इतनी तेज चल रही है यार, इतनी सर्दी लग क्या होगा, क्योंकि पूरे कपड़े गीले, ये पूरा गीला, देख कपड़े तेरी समझ ही पड़ी, देखिए ये गीले सब कपड़े गीले। मजा आ रहे है, बहुत मजा आ रहे है, कल बीमार पड़े होंगे सब सारे। Few moments later. यार यहाँ पे अभी चप्पल एक्सचेंज हो रहे हैं, शूज कहाँ है तेरे? तेरे कहाँ है? ये तो पिशावरी चप्पल पहन गए थे, इसके साथ मैंने प्रैंक किया। बदला तेरा अभी बाप ने। वलीद तुम दो अब यहाँ से जाओ और मैं वहीं से आता हूँ। ये इतना खतरनाक रास्ता, रस्सी को पकड़ के ऊपर जाना है। हम जिस रास्ते से आए हैं वो बस स्टिक के साथ साथ हो सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं वापस ऊपर क्योंकि शाम का टाइम हो जाएगा रास्ते में ही। फिर कपड़े सारे गीले हो गए हैं, हवा इतनी तेज चल रही है, सुबह सारे बीमार पड़े होंगे, वर्किंग डे है, ये भी गीला हुआ है, उमर भाई भी, वलीद भी। सुबह तुझे मैं कॉल करूंगा, पूछूंगा क्या हिसाब है, तू कह, ये कहेगा यार बुखार हुआ है, पहले डाले भी लिए। द वाटरफॉल के साथ ही समोसे पकौड़े और चाय मिल रही थी, तो उसके बाद फिर जाते हैं ऊपर भी जाने हैं, आधे घंटे का रास्ता, आधे घंटे का उतरते वक्त रास्ता था, घंटा शायद ऊपर चार चाय भी आ गई है, गरम गरम चाय, मुंह जल गया, और ये पकौड़े भी आ गए हैं और ठंडे ठंडे। चाय पी ली, खैर चाय तो नहीं पी, पकौड़े खा ली, शूज भी चेंज कर लिए। ने मकशपुरी में जो व्लॉग बनाया था उसकी 3.5 घंटे की हाइक की थी, फिर उतरे भी थे 2 घंटों में, एक दिन के अंदर ही, वन डे ट्रिप था वो हमारा मकशपुरी का, तो आदत है हमारी। अभी मेरी और उमर भाई की रेस थी, नीचे से ऊपर भाग भाग के आए, सांस फूल गई अभी, वलीद वो स्लो स्लो आ रहा है, यार सांस बहुत फूल गई है, हाइकिंग करते वक्त भागे नीचे से एकदम। अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं उसके बाद जाते हैं। मुदसर की तबीयत खराब हो गई, ऊपर जा नहीं सकता, सांस फूल लिया था इसको, तो अभी इधर रेस्ट कर रहे थे। उमर भाई तो मेरे ख्याल में पहुंच गए होंगे ऊपर। वलीद आ गया, आगे स्टिक पकड़ी हुई है उसने, स्टिक पकड़ के ले जा रहा उसको, इसको हमने घोड़े पे बिठा दिया, इसकी तबीयत थोड़ी खराब हो रही थी, टाइट पकड़। अच्छा जो बस ऊपर पहुंच जाओ, हम आ रहे हैं स्लो स्लो, चलो चलो। अभी इधर नींबू पानी पीते हैं, उधर को हमने ऊपर भेज दी, अभी हमारी खुद की हालत खराब हो रही है, थक गए, नीचे उतरते वक्त हमने स्टे नहीं किया था, लेकिन अभी तीसरी या चौथी बार स्टे किया, पानी भी लिया और रास्ते में शरबत भी पिया, लेकिन अभी थक गए यार काफी ज्यादा, क्योंकि हमने लंच नहीं किया था। वलीद मेरे साथ बैठा हुआ है, उमर भाई भी मेरे ख्याल से पहुंच गए होंगे क्योंकि वो बड़े स्पीड में ऊपर जा रहे थे, और अभी हम थक गए, थोड़ा रेस्ट करके ऊपर जा रहे हैं। जैसा मक्षपुरी में हम थक गए थे यार, रेस्ट कर रहे थे फिर जा रहे थे, रेस्ट कर रहे थे फिर जा रहे थे, हर 2-3 मिनट बाद, तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि अंधेरे से होने से पहले पहुंच जाए। यार फाइनली पहुंच गए, इतना थक गए, ये पूरा गंदा हो गया यार, बैठ बैठ के उधर रेस्ट करके।
तो यार अभी हमारी वापसी है, होने वाली है बस अजान अभी होने वाली है थोड़ी देर तक। और अब रोड खुला है या वापसी में कोई गाड़ियां नहीं है, आते वक्त काफी गाड़ियां आ रही थी जा रही थी। और यार मजा काफी ज्यादा आया, कमजोर जो बंदे हैं यार वो बिल्कुल ना आए, क्योंकि उतराई तो आसान है लेकिन चढ़ते वक्त काफी सांस फूल जाता है। रात का टाइम है, कोई भी नहीं है, ना पीछे कोई गाड़ी आ रही है ना आगे कोई है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी आना हो, प्लान बनाया हो अम्ब्रेला वाटरफॉल का, तो टाइम पे वापसी आ जाए, क्योंकि एक घंटे का रास्ता है जो ये ट्रैक जा रहा होता है। 346 minutes later. अभी हम आए हवेली, यहाँ पे एक ट्रक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आज डिनर करेंगे। और हवा काफी तेज चल रही है, इतनी तेज बारिश है यार, आज हम खाएंगे ट्रक रेस्टोरेंट में खाना। वैसे तो खाते रहते हैं यार KFC मैकडोनल्ड्स, आज खाएंगे ट्रक वाले रेस्टोरेंट में खाना। खाने में आलू कीमा मंगवाया है, इसके साथ माश की दाल मंगवाई है और साथ ये रोटी, सारे पैसे इस रोटी के होते हैं, काफी मजे की रोटी होती है। खा लिया, पहली बार खाया ट्रक रेस्टोरेंट से, यहाँ पे सारे ट्रक ड्राइवर्स आते हैं वहाँ पर खाना खाते। अच्छा, क्यों तू ट्रक ड्राइवर रह चुके हैं, तो ट्रक ड्राइवर रह चुके हैं यार। अब जाते हैं डायरेक्ट पिशावर, दोपहर से हमने खाना नहीं खाया था तो डिनर, लंच और डिनर एक साथ कर लिया था, अब जाते हैं डायरेक्ट पिशावर। अभी पिशावर यूनिवर्सिटी की बस आई हुई है, मेरा रैंडमली स्ट्रीट देख रहा था मुनीब की दोस्त से मेरा, उसका मैंने कॉल किया, मैंने कहा किधर हो, कहता रह सके की बस, तो अभी उसको कॉल किया, सामने आया बस में ये और आ रहा भी अनएक्सपेक्टेड था ये भी। मैं काफी देर से देख रही हूँ यार, बस खड़ी हुई है और दूसरे मैंने तेरी स्नैप्स देखी है, मैंने कहा बंदे किधर निकला हुआ, और फिर मैंने कॉल किया मेरे को। फाइनली पहुंच गया वापस पेशावर, तैयार घर पहुंच गया और काफी ज्यादा थक गया। उस व्लॉग को मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।